गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम LLB फाइनल ईयर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट का जुडिशियल रिव्यू टॉपिक हम देखेंगे। मैं डॉक्टर अनुपमा उज्ज्वल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज सिरोही। आज ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, इसमें काफ़ी बार क्वेश्चंस जो है शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं और डिटेल जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता है उसमें भी पूछा जाता है। अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है या न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है हम ये देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू इट इज़ अ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ओवर द गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर टू कीप अ चेक ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ देयर एक्शंस एंड हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ वॉइड इफ दे आर इनकॉन्स्टिट्यूट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखते हैं कि जुडिशियल रिव्यू क्या है या न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो सामान्य तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है यह न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका द्वारा संपादित कृत्यों की संवैधानिक संगतता का पता लगाया जाता है कि उसके द्वारा संविधान में असंगत विधियों के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो विधायिका के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा जो भी लॉ बनाए गए हैं उनकी जांच की जाती है कि उन्होंने जो लॉ बनाया है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है या विधि के विरुद्ध तो नहीं है। यह कार्य जो है न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य जो है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो जो जुडिशियल रिव्यू है, आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 जो है, अनुच्छेद 13 में हमें ये जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है या न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है। अब क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक विधि में या जो प्रशासनिक जो कार्य किए जाते हैं उसमें जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है वो हम देखेंगे। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कैन बी डन अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द पर्पस ऑफ दिस इज टू इम्पोज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। इट इज डन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है ये प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, ये इसका तात्पर्य यह होता है प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों के न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य कार्यकारिणी या कार्यपालिका को अनियंत्रित कार्यशैली पर नियंत्रण अधिरोपित करना है। इसके अलावा इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन को अपनी सीमा के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्य करने के लिए विवश किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो सामान्य तौर पर विधायिका के द्वारा जो कार्य विधि का निर्माण करने का कार्य किया जाता है या विधायिका के द्वारा जब अपनी शक्तियों का हस्तांतरण कार्यपालिका को कर दिया जाता है और कार्यपालिका के द्वारा अगर विधि का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कार्यपालिका के द्वारा या विधायिका के द्वारा अगर किसी भी विधि का निर्माण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विधि निर्माण करने में वह अनियंत्रित कार्यशैली का उपयोग न करे और इसी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। अब न्यायिक पुनरावलोकन के क्या आधार है? इट इज़ डन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो इसका जो आधार है या इसका मेन क्या होता है, क्यों ये किया जाता है? प्रशासनिक कार्यों के पुनरावलोकन में मुख्यतः निम्न आधार माने जाते हैं। उसमें जो सबसे फर्स्ट आधार है वो अलीगलिटी, अवैधता। अगर कार्यपालिका के द्वारा इस प्रकार का कोई भी लॉ बनाया गया है जो अवैध है, तो ऐसी स्थिति में उसे चैलेंज किया जा सकता है या उसे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा अवैधता के आधार पर उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सेकंड जो ग्राउंड है वह अयुक्तियुक्तता, अनरीजनेबिलिटी। इसमें सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि कार्यपालिका के द्वारा अगर इस प्रकार का कोई भी लॉ बनाया गया है जो अनरीजनेबल है, तो ऐसी स्थिति में भी उसे नियंत्रण स्थापित करने के लिए न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। फिर है एरर एस टू प्रोसीजर, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि। सामान्य तौर पर प्रशासनिक प्राधिकारियों को जब भी किसी कार्य को करना होता है तो उस कार्य को करने के लिए उन्हें अधिकार दिए जाते हैं, शक्ति दी जाती है,
और उन अधिकार और शक्तियों के साथ उनको यह भी कहा जाता है कि जो प्रक्रिया निर्धारित है उस कार्य को करने के लिए उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य आता है परंतु उस कार्य को करने की जो प्रक्रिया है अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वह प्रक्रिया संबंधित त्रुटि के आधार पर उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। फिर है अब्यूज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो है आपका नेक्स्ट, आपका है विवेक का दुरुपयोग। सामान्य तौर पर कई बार ऐसा होता है कि कई प्रकार के प्रशासनिक कार्य इस प्रकृति के होते हैं कि उसमें उसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर होता है कि वह उस कार्य को कैसे संपन्न करें, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रशासनिक प्राधिकारी अपना विवेक का भी मनमाना प्रयोग करें। अगर ये साबित हो जाता है या ये लगता है कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा अपने कार्य को करने में जिस विवेक का प्रयोग किया गया है वह सही नहीं है, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया है, तो ऐसी स्थिति में भी उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और लास्ट जो है मैंसरिया या रॉन्ग बिलीफ, अगर कोई भी प्रशासनिक प्राधिकारी के द्वारा दुराशय से कोई भी कार्य किया जाता है या गलत विश्वास से कोई भी कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन करवाने का अधिकार होता है। फिर है आपका एक इम्पॉर्टेंट केस है जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बताया गया है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस सुभाष सिंह, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट का यह मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इज वैलिड वाइज इन आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इन हर एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड आर। बिहार राज्य वर्सेस सुभाष सिंह, AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट में, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रशासनिक कृत्यों का न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत वैध है जो विधि के शासन का एक आवश्यक तत्व है, लेकिन न्यायालय के मुख्य लेकिन जब भी न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन करता है तो न्यायालय को मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें की चिंता उनको करनी चाहिए न्यायिक पुनरावलोकन के समय। फर्स्ट है वेदर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक्सीड द लिमिट ऑफ द पावर। सबसे पहले हमको ये देखना है कि क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों की सीमा को लांघा है। जो प्रशासनिक प्राधिकारी है उसके द्वारा जो कार्य करने के लिए जो निर्णय लिया गया है उसने उसको जो अधिकार दिया गया है उसकी लिमिट को अगर उसने क्रॉस किया है या उसने शक्तियों को अगर लांघा है तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। फिर दूसरी चीज कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि वेदर इट इज मेड मिस्टेक ऑफ लॉ, क्या उसने विधि संबंधी कोई भूल की है। हमें यह भी देखना होगा कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा जो कार्य संपन्न किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की विधि संबंधी भूल है या मिस्टेक ऑफ लॉ है कि उन्होंने लॉ से संबंधित कोई भी त्रुटि की है, तो हमें यह भी देखना चाहिए। वेदर इट्स वायलेटेड एनी रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसके साथ ही हमको ये भी न्यायालय को यह भी देखना चाहिए कि क्या उसने नैसर्गिक न्याय के किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, और उसी के साथ उस न्यायालय को यह भी देखना चाहिए वेदर इट अब्यूज द पावर कन्फर्म्ड, क्या उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है कि जो प्रशासनिक प्राधिकारी है उसने अपने अधिकारों की सीमाओं से बाहर जाकर कार्य किया है, उसने लॉ से संबंधित कोई भूल की है या अपने कार्य में नैसर्गिक न्याय का वॉयलेशन किया है। तो ये सब देखने के साथ ही हमको इस चीज़ को भी देखना जरूरी है कि जो उसे कार्य करने के लिए जो शक्तियाँ दी गई हैं क्या उन्होंने उस शक्तियों को मिसयूज़ किया है, उनका दुरुपयोग किया है। तो इन चीज़ों के आधार पर न्यायिक पुनरावलोकन प्रशासनिक कार्यों पर किया जा सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जुडिशियल रिव्यू कंप्लीट होता है, उससे नेक्स्ट हम आगे के लेक्चर में करेंगे।